आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ए टू जेड अल्फाबेटिकल टैबलेट लर्निंग सीरीज में डी से आने वाली टैबलेट्स के पार्ट 3 के बारे में, और गाइस साथ ही हम जानेंगे इसके कंपोजिशन और इसके यूजर्स के बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है डोमपान टैबलेट, और इसके अंदर है डोमपेरिडोन 10 mg प्लस पेंटोप्रेजोल 20 mg, और इसका यूज़ किया जाता है GERD में, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या में, और गैस्ट्राइटिस की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारे नेक्स्ट टैबलेट जो कि है डेली आयरन टैबलेट, इसके अंदर है आयरन और फॉलिक एसिड, और ये टैबलेट आयरन की डेफिशिएंसी में और अनीमिया यानी कि खून की कमी में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो कि डुवेंटा 20 टैबलेट, इसके अंदर है डुलोक्सेटिन 20 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है डायबिटिक नर्व पेन में, डिप्रेशन की समस्या में, और एंजाइटी के डिसऑर्डर में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो कि डेली शाइन 60 के टैबलेट, इसके अंदर है कॉलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, और ये टैबलेट बोन्स को प्रमोट करने में, हेल्दी जॉइंट की हेल्थ को बनाए रखने में, टीथ की हेल्थ को बनाए रखने में, और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि है डाइक्लोमोल टैबलेट, इसके अंदर है डाइक्लोफेनेक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में, यानी कि दर्द को दूर करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि है डेस्टर 10 टैबलेट, और इसके अंदर है एटोरवास्टेटिन 10 mg प्लस विटामिन D3 1000 IU, और इसका यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो कि है डोलोपार 650 टैबलेट, इसके अंदर है पैरासीटामोल 650 mg, और इसका यूज़ किया जाता है दर्द से राहत दिलाने में, और साथ ही इसका यूज़ किया जाता है फीवर के ट्रीटमेंट में। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो कि डोलोकाइन प्लस टैबलेट, इसके अंदर है एसिक्लोफेनेक 100 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg, और इसका भी यूज़ किया जाता है दर्द को दूर करने के लिए, ये भी एक पेन रिलीफ टैबलेट है। इसके अंदर हमारी नेक्स्ट टैबलेट जो कि डाई माइक्रोन टैबलेट, इसके अंदर है ग्लाइकोलाइसराइड 80 mg, और इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटिस की समस्या को ठीक करने के लिए। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि डेजियो एम टैबलेट, इसके अंदर है डापाग्लाइफ्लोजिन 10 mg प्लस मेटफॉर्मिन 500 mg, और इसका भी यूज़ किया जाता है डायबिटीज की समस्या को ठीक करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटिस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि डाइड्रोप्रेक 10 mg टैबलेट, इसके अंदर है डाइड्रोजेस्टेरोन 10 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या को ठीक करने के लिए, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या में, और साथ ही फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि डाइक्लोविन प्लस टैबलेट, इसके अंदर है डाइक्लोफेनेक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है दर्द को दूर करने के लिए, ये एक पेन रिलीफ टैबलेट है। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि है डेसलर टैबलेट, इसके अंदर है डेसलोराटिडिन 5 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है एलर्जिक कंडीशंस की समस्या को ठीक करने के लिए। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है जो कि है डॉक्सिनेट प्लस टैबलेट, इसके अंदर है डॉक्सिलेमिन 10 mg प्लस विटामिन B6 10 mg प्लस फॉलिक एसिड 2.5 mg, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी की समस्या में, नौजिया और वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और आज की हमारी लास्ट टैबलेट है जो कि है D500 काल टैबलेट, इस टैबलेट के अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉलिकैल्सिफेरॉल IP, और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है बोन्स और टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, और साथ ही ये टैबलेट कैल्शियम और विटामिन का एक अच्छा सोर्स है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की ए टू जेड अल्फाबेटिकल टैबलेट लर्निंग सीरीज में डी से आने वाली टैबलेट के पार्ट 3 के बारे में, और साथ ही हमने जाने उसके कंपोजिशन और यूजर्स को। तो गाइस, वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। ए टू जेड अल्फाबेटिकल टैबलेट लर्निंग सीरीज में ई पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।